हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हमारे यहाँ सिंगिंग का माहौल जमने वाला है। आज हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से तीन दिग्गज यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, जिनमें किशोर दा की हूबहू झलक मिलती है। ये वो है जो हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं, कमाल के सिंगर और किशोर दा के सुपुत्र मिस्टर अमित कुमार। वाह 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 दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खाते हो आप? इतनी एनर्जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमित सर के लिए। थैंक यू। आई वेलकम माय सेल्फ, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज। थैंक यू। और अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिनके नाम में ही सरगम है, जिन्होंने कई भाषाओं में एक से एक सुपरहिट गाने गाए हैं। प्लीज वेलकम फर्स्ट टाइम ऑन अवर शो साधना सरगम जी। क्या बात है, क्या बात है, वाह मजा आ गया। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या बात है, वाह, ये तो माहौल बन गया आते ही। उसके बाद क्या करेंगे? तो दोस्तों, अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्होंने अमित सर और साधना जी को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई कई कमाल के सिंगर्स के लिए धुने बनाई हैं, उनके लिए म्यूजिक जो है कंपोज किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने गानों से आग लगाने वाले कमाल धमाल बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर अनु मलिक। जोरदार तालियां हमारे तीनों दिग्गजों के लिए। मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना खुश हूं टू कम टू द वन एंड ओनली कपिल शर्मा शो, और जहां सामने अर्चना जी हैं और मेरे दोस्त अमित कुमार हैं, साधना जी और अर्चना जी, आपको देखकर तो शायरी आई नहीं। अरे आने दो सर। अर्चना जी आप फूल जैसी लग रही है, दुनिया की नजरों से अपने आप को बचाया करो। हाँ। आंखों में काजल लगाना काफी नहीं। अच्छा। अरे गले में नींबू और मिर्ची लटकाए। आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, नहीं गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। हाँ। सुना है सिद्धू जी आसपास हैं। देखकर शूटिंग पे आया करो। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। साधना जी, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, अनु सर और अमित सर तो पहले भी आ चुके हैं जी, तो आप कौन सी साधना में मगन थी? आप हमारे हाथ ही नहीं लग रही थी इतने साल। मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना है, थैंक यू मैम, शो को थैंक यू कहना है आपको। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, ये शो बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे सौभाग्य की बात है आप आज हमारे शो पे आई हैं मैम। किसी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सेलिब्रिटी से पूछो आप कपिल के शो पे आना चाहते हो, बोलता है आई विल आई विल आई विल, क्योंकि उनको यहाँ चैन मिलता है, आराम मिलता है। एंड आई पर्सनली बिलीव देयर इज नो वन बेटर देन द वन एंड ओनली कपिल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साधना जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 मार्च है। सात सुरों की सरगम वाला इनका नाम है। पंडित जसराज जी से इन्होंने 7 साल गाना सीखा। 70s में इन्होंने बचपन में ही गानों की शुरुआत कर दी और 7 सहेलियां खड़ी खड़ी इनका पहला गाना था। आपको नहीं लगता कि मेरी तारीफ बनती है? दिन रात मैं ये शो करता हूँ, फिर भी देखो मैंने कैसी रिसर्च करके बैठा हूँ। आप कहते ना पॉपुलैरिटी का समंदर, एस्टोनिया से भी आपके फैंस एस्टोनिशिंग फैंस है, मुझे पता है। कहाँ से? एस्टोनिया से एस्टोनिशिंग। एस्टोनिया क्या होता है? आप जगह का नाम। आप अच्छा, वो कंट्री है एस्टोनिया। कहाँ है अनुसर एस्टोनिया? मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ। अच्छा अनुसर हमेशा बोलते रहते ना, ये लड़का बहुत अच्छा गाता, आग लगा देगा आग लगा देगा। आजकल तो पेट्रोल हो गया महंगा, तो फिर कैसे लगाएं, पत्थर रगड़ के? आज जनता मुझे वोट देगी और हम यही गाना बनाएंगे और अमित और साधना से गवाएंगे और कभी कभी। अर्चना जी कोई वर्ड दो फिर आज। इंतजार। सिद्धू जी का ये 12 कपिल ने इंतजार। अच्छा हाँ बोलो आकाश। कमाल है यार, इंतजार और आकाश का कोई कॉम्बिनेशन कर, चलो ठीक है। इंतजार आशिकी, हाँ इंतजार आशिकी बेकरार, डी माइनर।
इंतजार, अभी बन रहा है गाना, इंतजार आशिकी बेकरार, ये आई डोंट, इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझे कितना है प्यार, इंतजार आशिकी बेकरार, इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने मुझको तुझसे कितना है प्यार, तू ही मेरी थी, तू ही मेरी है, मेरी बन कर रहेगी, दिल कहता है यार, इंतजार आशिकी बेकरार, कॉम्बी फ्लैम, कॉम्बी फ्लैम, बोल रहा है मुझे कॉम्बी फ्लैम ले रहा हूँ, वो अलाउड नहीं, दिए गाइस साधना, कम ऑन, इंतजार आशिकी बेकरार, इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझको कितना है प्यार, तू क्या जाने मुझको कितना है प्यार, इंतजार आप कपिल, इंतजार इंतजार आशिकी, आशिकी बेकरार, बेकरार, तू क्या जाने तुझसे कितना दुखी है सरदार, हम भी म्यूजिक घराने से हम भी लिख लेते हैं, देखिए मगर बनाए क्या बात है, क्या बात है, आपके सामने गाना बनाए ना, वाह वाह। अच्छा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि दूरदर्शन पे एक बड़ा ही प्यारा गाना आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, किस किसने सुना है वो गाना, सबने सुना है, याद है, आपको पता है वो साधना जी ने गाया हुआ है, बहुत छोटी थी तब ये, अर्चना जी ने उस गाने का बड़ा मिसयूज किया, ये हलवाई की दुकान पे जाती थी उनको सिखाती थी, कहती मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ, ये एक लड्डू कितने का दिया, वो कहता है 10 रुपए का, कहती ये एक लड्डू अनेक लड्डू, तो गूंथ के 20 लड्डू का एक लड्डू बना दिया, और वो 2.5 किलो लड्डू ले आती थी एक लड्डू के दाम। अच्छा नॉर्मली क्या होता है जब कोई गाना सीखने जाता है बच्चा, तो उसको पहले सरगम सिखाई जाती है ना, सारे गामा पादा नी, तो जब आप सीखने गई थी तो आपने कहा नहीं कि सरगम तो मेरे नाम में ही है, आगे से सिखाओ मुझे, इसके आगे क्या है, तो मेरा सरनेम घाणेकर है, साधना घाणेकर। अच्छा जी, और मैंने बचपन में तो मेरी मम्मी से सीखा, वो गाती थी, ट्यूशंस करती थी, म्यूजिक के वो सिखाती थी स्टूडेंट्स को, तो माहौल वही था गाने का, क्लासिकल और ये सब। उसके बाद संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से सीखने का मौका मिला, और फिर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, मदद की, बहुत शोज में गवाया, रिकॉर्डिंग्स में। तब जब शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि घाणेकर तो है सरनेम, लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई नाम अगर अच्छा साधना के साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, तो मेरे हाँ मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा ठीक है, फिर साधना सरगम ऐसे हो। क्या बात है वाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।